कहना चाहते हैं आप कुछ? थोड़ा रोक देते हैं। तीन गद्दे लगे हुए हैं यहाँ पर, चार बंदे हम यहाँ पर बाहर बैठे हैं। केड़ी है फाइल की चपले है। सो वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? घर से मैं निकला था, कितने बजे निकला था मैं? 12 बजे निकला था और बस बड़े आराम से आई, बड़े आराम से मुझे पहुँचाया उसने। पहुँचने के बाद मुझे वही 20 मिनट तक वेट करना पड़ा और पाली मुझे लेने के लिए आ गए अपने यार ने ये ना आज बाइक लेकर आए, उस बाइक का नाम महिंद्रा। पहले तो मैं महिंद्रा देख के चौंक गया, थोड़ा सा भागा फिर वो कांपने लगा। फिर मुझे ये भी ख्याल आया यार खुल ना जाए, कहीं बैग में ना डालना पड़े। चलो ओखा सोखा होकर भजा दिया हमें, ठीक है। बड़े आराम से हम पहुंचे घर पर और खाना वगैरह तो मैंने खा ही लिया था यार। वैसे आते वक्त सोच रहा था यार मैं भी एक ब्लॉग क्रिएट कर लूँ जब मैं आ रहा था, लेकिन डर बड़ा लग रहा था यार, बहुत ज़्यादा बंदे थे वहाँ पर। तो हैं कहना चाहते हैं आप कुछ? थोड़ा रोक देते यार, समय बताइए समय। हाँ यार 2:04 हो गए हैं, 30 तारीख हो गया है, लेकिन नींद अभी तक नहीं आ रही है। नींदियाँ मुझे लगता है कि 4-5 बजे आएगी, फिर सुबह आँख फिर मेरे हिसाब से दोपहर को खुलेगी 1-2 बजे। बाकी शोभित भैया ये जलेबी लेकर आए हैं, इन्होंने कल से जिम शुरू करनी है। आज बोलते हैं कि चलो जलेबी खा लेते हैं, लास्ट डे, उसके बाद जिम शुरू करनी है। कटिंग तो बहुत बढ़िया है शोभित भैया की। शोभित भैया बता दीजिए कुछ, थोड़ा बता दीजिए। हे प्रभु ओ कौन सा डायलॉग बदरी का देख रहा थी ओ कौन सा डायलॉग तू मैंने सुना रे टेंट शब्द कौन सा डायलॉग बोल रहे थे बोल दीजिए एक बार फिर से। नहीं अज क्या पहनी लोक पहनी मेरे रगड़ा ही होनी बजरी बजरी सेट दी है चलो यार ये तो मजाक कर रहे थे हम, वैसे ना बैठे हुए थे, करना भी क्या यार अभी, करने के लिए है नहीं कुछ। ये तीन गद्दे लगे हुए हैं यहाँ पर, चार बंदे हम यहाँ पर बाहर बैठे हैं, दो अंदर है, एक बाथरूम है, दो कमरे हैं, ये रसोई है, तैयार हो रही है, सामान समून आ रहा है, वो प्लेटें पड़ी हुई है। सारे ब्रांड है, जॉर्डन है, नाइकी है, गुच्ची गुच्ची नहीं होता यार है ना, पायल दी चप्पल आ गई केड़ी पायल दी पायल की चप्पलें हैं और रिलैक्सो की भी है। बांदर गीले में बड़ी सट लगती है उसकी, अगर बांदर गीला खेलते हैं ना इसके साथ। तो ये रसोई है हमारी, ये तैयार होनी है और ये रूम है। मामू जलेबी खा रहा सॉरी सॉरी। ये हमारा क्या है, टॉयलेट है ना ये वाला? ये वाला हाँ ये वाला टॉयलेट है, ये वाला रूम है और ये वाला किचन है और ये वाला रूम है, ठीक है। बाकी यार ये कंस्ट्रक्शन है, इसका काम चालू है, कुक कक भी आएंगे थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद नहीं थोड़े दिन के बाद। यार एक आपको एक मैं चीज़ बताता हूँ, ये जो बल्लब है ना अभी अभी लगाया, वजन ज़्यादा हो गया तो बाहर ही निकल गया। जो इसका मेन मेन है ना मेन चीज़, वेट ज़्यादा हो गया तो बाहर ही निकल गया। बाकी सही है यार, रूम राम यहाँ पर सही है और हाँ। तो मैं ना यहाँ पर घूमने नहीं आया हूँ, काम करने के लिए आया हूँ, तो काम भी शुरू हो जाएगा, देखते हैं कब तक होगा। तो ज़्यादा तो मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊँगा इसके बारे में, हो ही जाएगा ना शुरू काम हमारा, तो हो जाएगा अभी। यार देखो 2:30 बज गए तो कल हम थोड़ा बहुत घूम भी लेंगे बाहर, देखते हैं जहाँ पर कैसी मार्केट है। और यार और क्या ही बताऊँ, नींद तो आ नहीं रही है, बस यहाँ पर ऐसे बेले बैठे हैं। अरे चले भाजी बाहर, अंदर तो नींद नहीं आ रही, बाहर क्या मिलेंगे,
बाहर ऐसी क्या चीज है जो हमें मिल सकती है इस टाइम? हाँ कुत्ते मिलेंगे और क्या मिलेंगे ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 2:30 बज गया ना अभी, सेवा करनी था कर सकती बट करनी नहीं यार अपन। ठंड भी मिल सकती हाँ, गर्मी का टाइम हो गया खत्म। हाँ हाँ ठंडे मिल सकती हूँ तो तो यार ये वैसे है मतलब नॉर्मल सा व्लॉग है। तो मैं जरा आया था तो मैं क्या चेक कर लूँ एक बार स्पीकिंग मेरी सही है, कहीं लो तो नहीं होगी जो मैंने व्लॉग बनाया था ना बस स्टैंड में डर के कारण, तो सही है। तो यार बाकी सुबह मिलते हैं, सुबह जाना है हमने क्योंकि अभी हमारा काम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो थोड़े बहुत दिन है मे बी हमारे पास। तो कल घूमते हैं और खाने पीने का सामान लेकर आते हैं, जो भी यहाँ पर अच्छी लोकेशन है वहाँ पर देखते हैं जाकर। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सो लो यार, शांत नींद नहीं आ रही। ठीक है ओके बाय।